दोस्तों, अगर आपने एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो नक्षत्रों के ज्ञान के बिना आप वो नहीं सीख सकते। देखिए, सिर्फ ये जान लेना कि किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये इनफ नहीं होता। अगर आपने डिटेल्ड में एनालिसिस करनी है किसी भी ग्रह के बारे में, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है और ये नक्षत्र किस राशि में पड़ता है, ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये नई सीरीज जो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मैं ये कवर करूँगा राहु दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में कैसा रिजल्ट देता है। आज हम सूर्य की बात करेंगे। देखिए, जब भी राहु किसी और ग्रह के नक्षत्रों में बैठेगा, एक तो उस ग्रह की जो पावर है, जो उस ग्रह के एक तरह से विचार है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो राहु के अंदर आती हैं। सेकेंड, जो ये नक्षत्र जिस राशि में पड़ेगा, उस राशि की भी कई क्वालिटीज राहु के अंदर आती हैं और कंबाइंड इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में मिलता है। देखिए, सूर्य 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र कंट्रोल करता है। कौन कौन से? एक तो हो गया कृतिका नक्षत्र जो कि टॉरस में पड़ता है, दूसरा हो गया उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि 6 नंबर राशि यानी कि वर्गो में पड़ता है, और तीसरा उत्तर भद्रा नक्षत्र जो कि 10 नंबर राशि यानी कि कैप्रिकॉन में पड़ता है। तीनों सूर्य के नक्षत्र एक तरह से अर्थ एलिमेंट वाले राशिज में पड़ते हैं जो कि हो गए टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। और जब भी राहु सूर्य के नक्षत्रों में बैठा होगा, बहुत पावरफुल पोजीशन मानी जाती है। देखिए, सूर्य के नक्षत्र में राहु क्यों पावरफुल माना जाता है? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आता है ये राहु, और अकाउंटेबिलिटी भी आपके ऊपर होगी। देखिए, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे लाइफ में। अगर सूर्य के नक्षत्र में राहु होगा, एक तरह से आप बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगे जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके चढ़ता है। परंतु एक चीज इस राहु को चाहिए होती है अगर वो सूर्य के नक्षत्रों में है, कि खुद को भी बेनिफिट हो। अगर आपने सारा कुछ कर लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा ली, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो आगे बढ़ गई और आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठ के बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर देता है। आप एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी हो सकता है, हेट ही करने लग जाए। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि आप दूसरों के लिए मेहनत तो करेंगे, कंपनी के लिए एज अ होल मेहनत तो करेंगे, परंतु आपको अपनी भी पड़ी होगी। आपको ये भी चाहिए होगा कि मैं पर्सनली लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा हूँ, मेरा फायदा क्या हुआ, कंपनी तो आगे बढ़ गई तो मेरा फायदा क्या हुआ उसमें। तो दोनों चीज़ें कंबाइंड इफेक्ट आ गई। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो सूर्य के नक्षत्रों में राहु लेके पैदा हुआ है, वो नेचुरल लीडर बन सकता है, नेचुरल कंपनी का ओनर बन सकता है और खुद का बिजनेस अपने दम पे खड़ा कर सकता है। तो तीन चीज़ें, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके लिए अकाउंटेबल होना और एज अ लीडर काम करना, ये राहु की क्वालिटीज है अगर वो सूर्य के नक्षत्रों में बैठा है। तो चलिए अब हम एक एक करके तीनों नक्षत्र कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कृतिका नक्षत्र। देखिए, कृतिका नक्षत्र अब टॉरस राशि में पड़ेगा, तो लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टॉरस की जो क्वालिटीज है, जो मटीरियलिस्टिक होने की क्वालिटीज है, वो भी आ जाती है राहु में। जब भी कृतिका नक्षत्र में राहु बैठा होगा, आपके अंदर टॉरस की कैसी क्वालिटीज आएंगी? आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे, आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक सोचेंगे। देखिए, सपोज करिए आपके पास एक सिनेरियो है कि आपने अपनी कंपनी को एक लेवल तक लेके गए, अपनी कंपनी को, तो जब उस लेवल तक कंपनी पहुंच गई, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, आपकी पर्सनल मेहनत की वजह से, एंड में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरा इसमें कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपका इक्वल लेवल पे या उससे ज़्यादा फायदा हुआ है, कंपनी से ज़्यादा फायदा हुआ है, सिर्फ तभी आपको मज़ा आएगा काम में। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक साइन हो गया ये। जब भी कृतिका नक्षत्र में राहु होगा, आप इतने मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे कि आप नो डाउट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे काम की, आप दूसरों को लीड करने में भी बहुत आगे होंगे, बट एट द एंड आपको सिर्फ अपना फायदा ही चाहिए होगा। ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक प्लेसमेंट मानी जाती है और बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। देखिए, जब व्यक्ति खुद का भी देख रहा है कंपनी के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, तो बहुत चांसेस है कि दोनों चीज़ें इकट्ठे बढ़ेंगी। ऐसा व्यक्ति एक जीरो से कंपनी को स्टार्ट करके एंड लेवल तक लेके जा सकता है अपनी खुद की मेहनत पे, दूसरे लोगों को साथ के साथ मोटिवेट करते हुए। बहुत पावरफुल प्लेसमेंट मानी जाती है कृतिका नक्षत्र में राहु की। और अगर आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र में राहु है, आप एक तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्पावर्ड होंगे, आपको पता होगा आपको क्या चाहिए। देखिए, आपको फुल क्लैरिटी होगी क्योंकि सूर्य के नक्षत्रों में राहु को फुल क्लैरिटी होती है कि मुझे चाहिए क्या। तो आपको फुल क्लैरिटी भी होगी,
आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, दूसरों को लीड भी कर सकते हैं। एक परफेक्ट प्लेसमेंट मानी जाती है एक लीडर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को जीरो से लेके 100 लेवल तक अकेला लेके जा सकता है। सूर्य के हम अगले नक्षत्र के ऊपर चल रहे हैं। सूर्य का अगला नक्षत्र आ गया उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि वर्गो में पड़ता है, 6 नंबर राशि में पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पे आपके अंदर सूर्य की क्वालिटीज यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीड करना, लीडर बनना और कॉन्फिडेंस होना, ये तो होगा ही होगा। साथ के साथ वर्गों की भी क्वालिटीज आ गई। वर्गों की क्वालिटीज कैसी आई? आप एक तरह से परफेक्शनिस्ट बन गए। आप जो भी काम पकड़ेंगे अपनी जिंदगी में उसको परफेक्शन के साथ करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट, बहुत पावरफुल प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर आपने किसी भी काम में परफेक्शन करनी है, टॉप लेवल तक परफेक्शन, आर्टिस्ट के लिए बहुत शानदार पोजिशन होती है अगर उत्तर फाल्गुनी में राहु हो। देखिए, ये आपको ऐसा मोटिवेट करता है, अगर आप लीडर नहीं भी हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी आप छोटे से ग्रुप में एज अ लीडर काम करेंगे, दूसरों को साथ में मोटिवेट करके जो व्यक्ति चलता है, वैसी पोजीशन मानी जाती है उत्तर फाल्गुनी में राहु। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन एक और रीज़न की वजह से क्यों है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में परफेक्शन से काम कर सकते हैं। आप कोई भी फील्ड में जीरो से स्टार्ट करके भी ऐसी पावर आपके अंदर होगी कि आप परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे उसमें। एक एक चीज़ को ध्यान से जो व्यक्ति देखता है उसका राहु उत्तर फाल्गुनी में होता है, इसीलिए ये भी बहुत अच्छी शानदार पोजीशन होती है राहु की सूर्य के नक्षत्रों में बैठ के वर्गो राशि में उत्तर फाल्गुनी के अंदर। अब चलते हैं हम सूर्य के तीसरे नक्षत्र की तरफ, जिसको हम कहते हैं उत्तरशदा नक्षत्र। देखिए, उत्तरशदा नक्षत्र 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन में पड़ती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और एज अ लीडर काम करने की पावर तो है ही, जो सूर्य के तत्व हैं। बट कैप्रिकॉन का भी इफेक्ट आ गया। कैप्रिकॉन का क्या इफेक्ट हुआ? आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए, जो एक एक करके, कैप्रिकॉन क्या दर्शाता है? धीरे 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 करके टॉप तक पहुंचना, लैडर की तरह, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे करके टॉप लेवल तक पहुंचना, ये कैप्रिकॉन की पावर होती है। देखिए, जब भी उत्तरशदा में राहु आ गया, आप इतने ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी काम के लिए, कि परफेक्शन से तो करेंगे बट कमिटमेंट के साथ। जो व्यक्ति लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकता है, 12-12, 13-13, 14-15 घंटे हर रोज देना किसी प्रोजेक्ट को, एक तरह से उसमें अपना पूरा जी और जान लगा देना, वैसी पावर उत्तरशदा में होती है राहु की। जब भी उत्तरशदा नक्षत्र में राहु होगा, आप ना सिर्फ खुद को, अपनी पूरी टीम को भी मोटिवेट कर सकते हैं। चलो आज रात को भी काम करें, पूरी रात भर काम करके जो व्यक्ति बहुत कम समय में प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, वो उत्तरशदा नक्षत्र में राहु लेके बैठे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी अपना बिजनेस ही करना चाहिए। देखिए, अपने बिजनेस के अंदर आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सूर्य की भी पावर आ गई, कैप्रिकॉन जो राशि है उसकी भी पावर आ गई, और राहु की जो डेडिकेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो तीनों नक्षत्र, सूर्य के तीनों नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी और उत्तरशदा, तीनों में ही राहु बहुत पावरफुल पोजिशन में होता है। एक तो सेल्फ की क्लैरिटी होती है आपको, क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए, और खुद का फ़ायदा देख के चलते हैं। जब भी आप खुद का फायदा देख के कंपनी का बेनिफिट करेंगे, आपको एज अ रिजल्ट जरूर मिलेगा अपना फायदा भी। तो इसीलिए नो डाउट आप बाकियों के लिए भी काम कर सकते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, बट फिर भी सूर्य के नक्षत्रों में अगर आपका राहु है, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप खुद का सेल्फ का बिजनेस ही खोलिए। उसमें आप लैडर बाय लैडर एक एक करके ऊपर तक पहुंच पाएंगे और आप देखेंगे कितनी ज़्यादा पावरफुल पोजिशन आपके लिए बना देगा राहु, कि आप एग्जैक्ट टॉप तक पहुंच गए हो और दूसरों को लीड करते हुए, दूसरों को लीड करते हुए जो टॉप तक पहुंचता है उसके अंदर चेले भी बहुत होते हैं, उसके अंदर लोग काम करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है। तो इसीलिए सूर्य के नक्षत्रों में राहु बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्रों में राहु बैठा है, इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद।